नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा चैनल टर्की स्केल नंबर 1। मैं इस वीडियो में आपको कुछ कंप्यूटर यूनिट्स की जानकारी दूंगा, जो कि यह जानकारी सभी के लिए उपयोगी होगी। यह जानकारी कंप्यूटर चलाने वाले यह जानकारी होनी चाहिए। इससे पहले कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो अपलोड करने में बहुत मेहनत लगती है। चलो आपका कीमती समय व्यस्त न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 4 बिट। 4 बिट इसके बराबर होता है 1 लेवल के बराबर। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है या लेवल भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, 8 बिट। 8 बिट, 8 बिट होता है किसके बराबर, 1 बाइट के बराबर। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, 1024 बाइट। 1024 बाइट होता है 1 किलोबाइट। इसको अपन क्या कहते हैं, के भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, 1024 KB। 1024 KB होता है 1 MB के बराबर। इसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट। 1024 MB, 1024 MB होता है 1 GB। इसको इसका फुल फॉर्म होता है जेगाबाइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर, 1024 GB। 1024 GB इसके बराबर होता है 1 TB। इसका फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। अगला क्वेश्चन 7, 1024 TB इक्वल 1 PB। इसका फुल फॉर्म पेटाबाइट। फुल फॉर्म क्या होता है, पेटाबाइट। अगला क्वेश्चन 8, 1024 PB। 1024 PB इक्वल 1 EB। इसका फुल फॉर्म होता है हेक्साबाइट। अगला क्वेश्चन 9th, 1024 EB इक्वल 1 ZB। इसका फुल फॉर्म जेटाबाइट। अगला क्वेश्चन 10th, 1024 ZB इक्वल 1 YB। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूटाबाइट। अगला क्वेश्चन 11th, 1024 YB। इसका फुल फॉर्म ब्रोंटो वाइट। फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रोंटो वाइट। अगला क्वेश्चन 12, 1024 DB होता है 1 YB, क्योंकि यह मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। कभी कभी इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई युब वाइट होती है। चलो वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।